तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला जो है वो आउटलाइंस का पार्ट टू है। तो पार्ट वन में मैंने आईब्रोज, आईज़, नोज़ और मूछ कवर की थी, उसकी पूरी आउटलाइंस। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के जो ट्यूटोरियल है उसमें हम आगे की आउटलाइंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो यहाँ पर से जो ऊपर जा रही है वो मूछ वो बना रहा हूँ, और अगर इसकी लेंथ देखी जाए कहाँ तक जाएगी तो नोस्टल की जो लेवल है यहाँ तक, तो यहाँ तक जाएगी वो। तो इसी तरह हम ईस्ट साइड की भी बना लेंगे। तो अगर इसकी देखा जाए तो ये जो नोस्टल है इसके भी यहाँ तक आएगी अराउंड। तो ये ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसे फ़ोटो से अंदाज से लगा कर देखना है और अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे लिप्स। लिप्स के लिए यहाँ पर थोड़ी सी गैप छोड़नी है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये लाइन के साथ साथ ही बनानी है। अब यहाँ पर ये दोनों बियर्ड को कनेक्ट करते हुए एक लाइन जैसी बनानी है, तो यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पर से थोड़ी मुझे गड़बड़ लग रही है, तो यहाँ से थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो अब हमें चिन के यहाँ पर जो बियर्ड दिख रही है पहले वो बना लेंगे। तो यहाँ से बनानी है। तो अब हमें यहाँ पर से जो बियर्ड दिख रही है पहले वो कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर से भी वैसे ही। तो अब यहाँ पर से जो बियर्ड ऊपर जा रही है वो भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ से बनाना है। तो ऐसे ही हम दूसरे साइड भी बना लेंगे, यहाँ ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से ऐसे बना लेंगे। और अगर हम यहाँ पर ऊपर लेंथ की बात कर ले तो यहाँ पर दिखा आईब्रो तक आएगा, तो आईब्रो तक बनाना है हमें। एंड देन यहाँ से हमें कर्व ले लेना है। तो यहाँ पर हम पहले हेयर भी बना सकते हैं ऊपर और नीचे बियर्ड भी बना सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ पहले हम बियर्ड बना लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
तो हमारी बियर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमने ऊपर तक से बना लिया, इस साइड से भी अब हम बना लेंगे। तो यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक है बियर्ड और फिर यहाँ पर से है कान, यहाँ पर हम कान बना लेंगे। और अब तो हमारी ऑलमोस्ट रेड ड्राइंग कम्प्लीट होने आई है, तो ये मार्किंग्स की भी अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो ये मार्किंग्स भी पहले मिटा देते हैं। ऊपर वाले भी मार्किंग्स जो है वो निकाल लेता हूँ। ओके, तो अब ये वाली लाइन से बनेगा कान, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और कान के अंदर जो शेप्स है, शेप्स की भी आउटलाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे कान की आउटलाइन भी बन जाएगी। तो गाइज ये थी आज की हमारी आउटलाइंस की ट्यूटोरियल। तो इसमें हमने कवर किया बियर्ड, लिप्स और कान। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है, जिसमें हम आगे के आउटलाइंस कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।